हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। देखिए, हमारी स्किन अगर अगर हम अपनी स्किन पे फेस के ऊपर अगर हम फेस वो सनस्क्रीन यूज करते हैं, उतनी ही हमारे फेस के लिए, जितनी सनस्क्रीन हमारे फेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स के लिए, जितने की वो हमारे सन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ का उपटन सनस्क्रीन बॉडी लोशन का रिव्यू। ये मेरा ऑलमोस्ट इतना फिनिश हो चुका है, जो कि मैं इसको समर्स विंटर्स दोनों में मैंने इसको यूज किया है। तो ये है मामा अर्थ का उपटन सनस्क्रीन बॉडी लोशन। इसमें आपको विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन, ये दोनों ही आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं उपटन के, ये आपको टैनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स आपकी स्किन को टैन होने नहीं देते। तो फॉर ग्लोइंग स्किन, मेड सेफ, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और मामा अर्थ के आपको पता ही है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। और इसकी क्वांटिटी है 300 ml, और इसका जो प्राइस है वो है 399 rupees। ठीक है, ये आपको यूवी प्रोटेक्शन देता है। इसमें जो SPF है वो है 30। ठीक है, देखिए, मैं अपनी हर वीडियोस में कहती हूँ कि जो आपका SPF हो, जो आप अपने फेस के लिए यूज करते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोज में होता है फेस और नेक, मैं तो अपने फेस और नेक पे वही अप्लाई करती हूँ। कम से कम SPF 50 होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं बाहर नहीं जाना तो आप SPF 30 भी अपने घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए है, ये बॉडी लोशन है, तो हम इसको, इसमें SPF 30 प्रेजेंट है, ताकि हमारी आर्म्स वगैरह जो चीज है, हम लोग जो एक्सपोज रहती हैं ज्यादा, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें सन से। फेस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे स्किन के बाकी पार्ट्स के लिए भी हमें मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमें टैनिंग से सेफ करे, तो जो हमारा मतलब कि सनस्क्रीन हो जो हमारे टैनिंग से भी हमें सेफ करे। तो ये टैनिंग के लिए बेसिकली है सनस्क्रीन, ये है बॉडी लोशन टैनिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें यूवी प्रोटेक्शन विद SPF 30 है। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें, मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली नेचुरली होते हैं सारे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है, इसमें ग्लिसरीन भी प्रेजेंट है, कैरेट एक्सट्रैक्ट ऑयल भी प्रेजेंट है, टर्मरिक है, सेफ्रन ऑयल है, बाकी जो भी इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन। आपको इजीली पंप पैकेजिंग में आपको ये मिल जाता है, तो आपको एक ट्यूब की जरूरत नहीं है, ये आपको एक पंप पैकेजिंग में मिलता है, तो जो आपको यूज करने में भी कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका क्वांटिटी दिखाती हूँ। देखिए, मेरी ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, थोड़ा ही रह गया है। ये मेरी सेकेंड परचेज है, फर्स्ट मैं ऑलरेडी एक यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अपने बॉडी के लिए नरिशमेंट, चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों, हमें बॉडी लोशन और मॉइस्चराइजर दोनों की ही इम्पॉर्टेंट, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये हल्का सा मतलब येलोइश, लाइट पेल येलो से कलर में इसकी वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, और कितनी जल्दी ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और पता भी नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, जैसे अगर आप हम कहें कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा या ऑयली ऑयली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। SPF 30 है, तो मींस इसकी SPF बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको 2-3 आवर्स के बाद रीअप्लाई, अगर हमने कहीं बाहर जाना है तो 2-3 आवर्स के बाद हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी अब्जॉर्ब हो गया और हल्की सी शाइन भी है, ताकि चाहे समर्स हों चाहे विंटर्स हों, हमारी स्किन से जो मॉइस्चर है वो निकलती है जब हम वॉश करते हैं अपने हैंड्स, और वो हमारे स्किन और हैंड सब ड्राई हो जाते हैं, तो ये उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो हमें बॉडी लोशन जो है वो हमें समर्स में भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये तो वैसे भी ये सनस्क्रीन बॉडी लोशन है तो हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये इनके सारे प्रोडक्ट्स। और इसको यूज़ कैसे करना है, स्क्वीज अ पी साइज ऑफ उपटन सनस्क्रीन बॉडी लोशन SPF 30 ऑन टू द पाम, पाम के ऊपर लेके रब योर पाम टूगेदर, डिस्टर्ब द बॉडी लोशन, डिस्ट्रीब्यूट द बॉडी लोशन इवनली। नेक्स्ट
स्लैदर इट ऑल ओवर द बॉडी, सॉफ्ट ग्लोइंग एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्किन. मीन्स आपने अपना थोड़ा सा इसका लेके अपने पाम के ऊपर इसको धीरे 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 आपने अपनी स्किन के ऊपर आपने इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इवनली पूरे अपनी स्किन के ऊपर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग हो जाएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है ही नहीं. ये देखिए आप मेरे सामने ही हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है. आप इसको समर्स में भी इजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में ही हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होता है सन की में. होता विंटर्स में भी है, लेकिन विंटर्स में फिर भी हमने थोड़े वुलन कपड़े डाले होते हैं, तो वो हमारी बाकी आर्म्स वगैरह को इतना इफेक्ट नहीं करता. लेकिन हमें समर्स में और विंटर्स में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, समर्स में बेसिकली. ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू मामाअर्थ उपटन सनस्क्रीन बॉडी लोशन के ऊपर. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.